लेकिन उसके मायने बदल जाते हैं आप किस तरह पढ़ते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर बोर्ड दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पर मैं वर्ड लिखता हूँ, देखिए एक वर्ड है, देखिए स्पेलिंग दोनों की सेम है, आर ई एस यू एम ई, ओके। अगर मैं इस वर्ड को रेज्यूमी पढ़ूंगा, अगर मी के ऊपर स्ट्रेस दूंगा तो उस वर्ड का मीनिंग बदल जाएगा। अगर मैं स्टार्टिंग में अगर वहां पर स्ट्रेस दूंगा तो ये वर्ड हो जाएगा रेज्यूम, ओके, रेज्यूमी, रेज्यूम, दोनों का मीनिंग अलग है ना। तो इस तरह होता है रेज्यूम, रेज्यूमी का मतलब होता है बायोडेटा, ओके, रेज्यूमी यानी बायोडेटा, और रेज्यूम का मतलब है रिवर्स करना। तो देखिए किस तरह से खाली मैंने अपनी टोन बदली और मीनिंग बदल गई वर्ड की, इंग्लिश इस तरह है ना। तो इसीलिए आप पोएम पर ध्यान रखो कि किस वर्ड को किस तरह पढ़ा जा रहा है, कितनी स्पीड में पढ़ा जा रहा है, कहाँ रुका जा रहा है, ओके। सो यहाँ पर पोएट कह रहा है, यहाँ पर ये बच्चा कह रहा है, आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ, मैं जिंदगी का रास्ता चुन सकता हूँ, दैट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस, जो रास्ता मुझे कामयाबी की तरफ लेकर जाए, और ट्रैवल डाउन द डार्कन्ड रोड दैट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस। देखिए बच्चा यहाँ कह रहा है कि मैं वो रास्ता चुन सकता हूँ जो रास्ता मुझे कामयाबी की तरफ लेकर जाए, या हो सकता है वो रास्ता मुझे नाकामी के अंधेरे में लेकर जाए, नाकामी की तरफ लेकर जाए रास्ता। समझ में आया? हेलो, नहीं आया क्या? ओके ओके ओके, सेकंड स्टांजा क्या हो रहा है, नेट स्लो चल रहा है क्या? ओके, सो सेकंड स्टांजा है, आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ दैट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस और ट्रैवल डाउन द डार्कन्ड रोड दैट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस। तो देखिए बच्चा कहता है कि मैं वो रास्ता चुन सकता हूँ जो हो सकता है कामयाबी की तरफ लेकर जाए, या वो रास्ता मुझे नाकामी की तरफ लेकर जाए। देखिए आप चौराहे पर है, अनजान शहर में है, रास्ता चुन रहे हो, तो आपको पता नहीं है और आपने कोई तो एक रास्ता चुन लिया है, तो क्या होगा, आप मंजिल को जाओगे या भटक जाओगे, ओके। हेलो, तो यहाँ पर बच्चा भी कह रहा है कि हो सकता है मैं कामयाब हो जाऊं या फिर नाकाम हो जाऊं। तो यहाँ पर दो अपोजिट वर्ड्स दिए वाले हैं, सक्सेस और डिस्ट्रेस, ये एक फिगर ऑफ स्पीच है, सक्सेस इसका अपोजिट है डिस्ट्रेस। देखो सक्सेस और डिस्ट्रेस अपोजिट वर्ड दिए वाला है पोएम के अंदर, तो ये एक फिगर ऑफ स्पीच है, फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है, ये एंटीथेसिस, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, एंटीथेसिस, इसके अंदर जिद वाले अल्फाजों का इस्तेमाल हुआ है, अपोजिट वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ। इंशाल्लाह कल मैं आपको फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा, सो एंटीथेसिस का इसके अंदर और इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि इसके अंदर जो है तो हमें अपोजिट वर्ड्स दिखाई देते हैं, ओके। नाउ तो सेकंड स्टांजा हो चुका है, क्या समझ में आया? हेलो, हाँ आमिर, ओके। नाउ थर्ड स्टांजा देखिए आप, प्लीज ओपन अप माय आईज डियर लॉर्ड। अब यहां पर पोएट जो है, बच्चा जो है, डायरेक्ट गॉड से मुखातिब है, डायरेक्ट खुदा से क्या कह रहा है, देखिए बच्चा खुदा से कह रहा है कि प्लीज ओपन अप माय आईज डियर लॉर्ड, ऐ खुदा प्लीज मेरी आंखें खोलो। क्या कह रहा है बच्चा, बोलो बच्चा क्या कह रहा है, हाँ किससे मुखातिब है बच्चा, हाँ ओके, किससे कह रहा है बच्चा डायरेक्टली, खुदा से कह रहा है, ओके। तो अगर जब हम किसी ऐसे शख्स से, ऐसी चीज से मुखातिब होके बात करते हैं जो हमारे एकदम सामने मौजूद नहीं है, तो वो फिगर ऑफ स्पीच कहलाया जाता है अपोस्ट्रॉफी, वो फिगर ऑफ स्पीच कहलाया जाता है अपोस्ट्रॉफी। यहां पर खुदा एकदम दिखाई दे रहा है क्या उसको, पोएट को नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन बच्चा डायरेक्ट उससे एड्रेस कह रहा है, मानो कि वो बच्चा, वो खुदा सामने बैठा वाला है और उसको सुन रहा है इस तरह से, है ना।
तो इस फिगर ऑफ स्पीच को कहा जाता है अपोस्ट्रोफी, कि गैर मौजूद शख्स या चीज को डायरेक्ट हम मुखातिब होकर जब बात करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज अपोस्ट्रोफी। ओके, फिगर्स ऑफ स्पीच आपको कई सारे आनी चाहिए क्योंकि अप्रिसिएशन में ये काम आएंगे। और पोएटिक डिवाइस होता है ये, पोएम को ब्यूटीफुल बनाने के लिए फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं। ओके, सो यहाँ पर पोएट कहता है थर्ड स्टांजा की पहली लाइन में, प्लीज ओपन अप माय आईज डियर लॉर्ड, कि ए खुदा प्लीज मेरी आंखें खोलो। क्यों खोलना चाह रहा है ये अपनी आंखें, क्यों खुदा से कह रहा है कि ए खुदा मेरी आंखें खोलो? तो देखिए, दैट आई माइट क्लियर सी, ताकि मैं साफ साफ देख सकूं। क्या देखना चाह रहा है, क्या देखना चाह रहा है बच्चा? वो ये देखना चाह रहा है कि वो रास्ता मैं कामयाबी का चुनना चाह रहा है ना, कामयाबी का रास्ता वो चुनना चाह रहा है, कामयाबी के रास्ते पे वो जाना चाह रहा है। आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ, आवाज नहीं आ रही क्या? ओके ओके ओके, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो। ओके ओके, नाउ सी मैं इस, ओके ओके, मैं बाद में वीडियो डाल दूंगा। ओके, नाउ बच्चा कहता है प्लीज ओपन अप माय आईज डियर लॉर्ड दैट आई माइट क्लियरली सी, हेल्प मी स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट, ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी। देखो ये जो दो लाइन है बड़ी प्यारी है, बड़ी अहमियत की लाइन है ये। पोएट यहाँ पर कहता है कि प्लीज खुदा मेरी आंखें खोलो ताकि मैं साफ साफ देख सकूं, और पोएट खुदा से कहता है कि मेरे साथ रहो, मेरी मदद करो, मेरे साथ खड़े रहो। अब देखो, खुदा अगर अपने साथ है तो क्या होगा? ऑब्वियसली हमारे अंदर से बेस्ट पर्सनालिटी बन के निकली, हम कामयाबी की ऊंचाइयों को छुएंगे। ओके, तो यहाँ पर शायर जो है, तो यहाँ पर ये बच्चा जो है तो बेस्ट बनना चाहता है, इसीलिए ये बच्चा कहता है कि प्लीज खुदा मेरे साथ रहो, मेरी मदद करो। खुदा से ये मदद लेना चाहता है, खुदा को अपने साथ जो है तो करना चाहता है, खुदा की मदद चाहता है ये बच्चा। क्यों मदद चाहता है? ताकि उसके अंदर से बेस्ट पर्सनालिटी बोलकर निखर आए। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, सुनाई दे रही है आवाज? ओके, आगे ये बच्चा क्या कहता है देखिए, हेल्प लॉर्ड। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, मैं बाद में वीडियो अपलोड कर दूंगा। हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो। अब यहां पर बच्चा कहता है कि ए खुदा मेरी मदद कर ताकि मैं ना कह सकूं। अब ये ना कहने के लिए क्यों मदद करना चाहता है, खुदा से क्यों मदद मांग रहा है? तो किस चीज के लिए ना कहना चाहता है? देखिए, व्हेन टेम्पटेशन कम्स माय वे, वो कहता है कि जब टेम्पटेशन मेरे रास्ते पर आए। व्हाट डू यू मीन बाय टेम्पटेशन? टेम्पटेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जब इंसान को लगता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और इंसान को लगता है कि मैं क्या कर बैठूं। ओके, और टेम्पटेशन की ऐसी कंडीशन होती है जब इंसान जो है तो जुर्म करता है, टेम्पटेशन की ऐसी कंडीशन होती है जब इंसान जो है तो जिंदगी बर्बाद करता है ना। कभी कभी अपने अंदर कैफियत ऐसी आती है ना कि आज तो मैं उसको मार दूंगा, गुस्सा आता है इतना, तो उस हालत को टेम्पटेशन कहते हैं। तो यहां पर शायर कहता है टेम्पटेशन, देखो टेम्पटेशन की कंडीशन आई तो अपने लिए ठीक है क्या? गुस्सा अगर आया है ना, क्योंकि गुस्से में हम कोई सही फैसला नहीं ले सकते हैं। तो यहां पर शायर कहता है कि अगर टेम्पटेशन की कंडीशन आए, टेम्पटेशन की हालत आए, तो मैं उस हालत को, उस कंडीशन को ना कह सकूं, इसकी खुदा मुझे कुव्वत दे। That I might be keep my body clean and fit for life each day. देखिए, अगर कभी temptation की condition आप पर आई तो क्या होता है, दिन भर कभी अगर सुबह 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 अगर कभी अपन गुस्सा करें है ना, किसी पर चिड़े अपन है ना, तो क्या होता है कि दिन भर हमारा बोर जाता है, पूरे दिन पर उसका असर होता है। तो यहाँ पर पोएट ऐसा चाहता है कि temptation के condition से मैं दूर रहूँ ताकि मैं सारा दिन जो है तो तरोताजा रह सकूं और जिंदगी के चुनौतियां आसानी से निभा सकूं। समझ में आया यहां तक? नाउ लास्ट फोर लाइन में क्या कहा है देखिए, लास्ट फोर लाइन बड़े ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट फोर लाइन जो है इस सारी पोएम की निचोड़ है।
ओके तो लास्ट फोर लाइन में ये बच्चा कहता है When my teenage years are over, जब मेरा नौजवानियत का दौर खत्म हो जाएगा और जब मैं बड़ा बन जाऊंगा, I know that I will see, और मैं तब देखूंगा, क्या देखेगा वो देखिए, that life is lived its very best with you walking next to me. पोएट कहता है कि जब वो नौजवानी का दौर खत्म हो जाएगा, जब वो बड़ा बन जाएगा, तब वो देखेगा कि नौजवानी के दौर में खुदा मेरे साथ था, खुदा ने मेरी मदद की, इसीलिए मैं बेस्ट पर्सनालिटी बनकर निखर आया, बेस्ट इंसान बन चुका. ओके समझ में आई पोएम? ठीक है. तो हाँ, अब ये पोएम के लाइंस कितने हैं गिन लो. ओके 20 लाइंस है पोएम. अगर ओके 20 लाइंस है. अगर पोएम 14 लाइंस की होती, 14 लाइन की अगर पोएम होती, तो उसको 14 लाइन की पोएम को सोनेट कहा जाता है. पोएम की एक किस्म है ये. ओके तो ये 14 लाइन की पोएम नहीं है. दैट मींस ये सोनेट नहीं है. ओके सो देखिए, आपने अप्रिसिएशन जब लिखना होता है तो उसके अंदर उसकी स्पेशलिटी भी लिखनी होती है, स्पेशलिटी ऐड की जाती है. ओके तो उसके अंदर आप ये लिख सकते हो, उसकी जो थीम लिखी जाती है या सेंट्रल आइडिया लिखा जाता है, तो थीम या सेंट्रल आइडिया में आप ये लिख सकते हो कि पोएम के अंदर स्टांजास कितने हैं, पोएम में ईच स्टांजा में लाइंस कितनी है. अब मुझे बताइए पोएम के अंदर स्टांजा कितने हैं, कितने स्टांजा है, 1, 2, 3, 4 and 5. फर्स्ट स्टांजा में 4 लाइन है, सेकंड स्टांजा में 4 लाइन है, थर्ड स्टांजा में कितने लाइन है, 4 लाइन है, फोर्थ स्टांजा में भी 4 लाइन है, और फिफ्थ स्टांजा में भी 4 लाइन. तो आप सेंट्रल आइडिया में जब आप उसकी थीम लिखोगे, उसकी मीनिंग्स लिखोगे, तो आप ये मजीद जानकारी भी लिख सकते हैं कि दिस पोएम कंटेन्स 5 stanzas, each stanza contain 4 lines. ओके ये उसकी स्पेशलिटी भी आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो. ओके पोएम समझ में आई. पोएम के अंदर जो है सक्सेस, डिस्ट्रेस, जिद वाले अल्फाजों का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है कि इसके अंदर एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल है. उसके अंदर डायरेक्ट जो है तो मुखातिब होकर बात कर रहे हैं, अनजान मतलब जिस चीज़ को वो देख नहीं रहे उससे डायरेक्ट बात कर रहे हैं, मानो वो सामने बैठा है ना. तो ऐसी फिगर ऑफ स्पीच कहलाई जाती है अपोस्ट्रोफी. और भी कई सारे